भारत का अग्रणी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आईकैड गर्व से डिजिटलाइज क्लासेस के लॉन्च की घोषणा करता है, जो भारत में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। डिजिटल टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति के साथ हमारे अनुभवी फैकल्टी टीम की अद्वितीय विशेषज्ञता को जोड़ते हुए आईकैड की डिजिटल कक्षाएं जेईई और नीट जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है। आईकैड के संस्थापक और सीईओ सारंग उपगलावार ने कहा कि एक व्यापक शोध के बाद दुनिया भर के 52 विश्वविद्यालयों से लगभग 4523 प्रस्तुतियों की जांच करते हुए हमने उन कमियों की पहचान की जो पारंपरिक शिक्षण सामग्री को परिभाषित करती है। यह स्पष्ट हो गया है कि ज्ञान अर्जन और व्यवहारिक अनुप्रयोग के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक वास्तविक बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रकार आईकैड डिजिटल क्लासेस का जन्म हुआ। डिजिटल लर्निंग बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि स्टूडेंट का जो क्लासरूम एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और क्लासरूम एक्सपीरियंस तभी होगा, अभी तो डिजिटल आ चुका है, हमने लेट कर लिया लाने में। तो डिजिटल बोर्ड्स में, डिजिटल कंटेंट्स के साथ, डिजिटल एनिमेशंस के साथ अगर क्लासरूम एक्सपीरियंस बच्चे को दे दिया जाए तो जो उसका बोरिंग सा एक्सपीरियंस होता था पहले की, जिसमें उसको कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 15-20 मिनट का ही रहता था क्लासरूम में, अभी वो पूरा 50 मिनट एक घंटा भी बैठ जाए तो उसके लिए बहुत इजी हो गया है। फैकल्टी के लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि जो डेढ़ घंटा उनको क्लासरूम लेने के लिए लगता था वो आज एक घंटे में ही क्लास खत्म हो रहा है, और पूरे रैप्ड अटेंशन के साथ, बच्चों के रैप्ड अटेंशन के साथ। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा किया गया अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, लेकिन प्रोडक्ट बनाते बनाते हमको 2 साल लग गए। अभी भी पूरा प्रोडक्ट बना नहीं है, 6 महीने में पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन 4 अप्रैल से ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। अगर आप ये सोचोगे तो हमारे मम्मी डैडी ने भी जो पढ़ा है वो शायद हमारे से ज़्यादा बोरिंग एक्सपीरियंस था। अब ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व होते जाएगी। हमारे दादाजी लोगों ने जो पढ़ा है उससे अच्छा शायद हमारे डैडी लोगों ने पढ़ा है, डैडी लोगों ने पढ़ा उससे अच्छा शायद हमने पढ़ा है, और हमने जो पढ़ा उससे अच्छा शायद ये जनरेशन पढ़ेगी, तो वो एक्सपीरियंसेस तो अच्छे होते ही जाएंगे। शायद अपन ये बोल सकेंगे कि 50 साल बाद जो बच्चे पढ़ेंगे तो शायद उससे और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। AI का एक्सपीरियंस सभी तरफ होता है, आप भी शायद कभी ना कभी करते होंगे, राइट? सो PPT प्रेजेंटेशंस में होता है, उसके फ्लो डिसाइड करने में होता है, उसके डायग्राम्स बनाने में होता है, रिकैप क्वेश्चन बनाने में होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन समझने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें जब यूज़ करते हैं और जब हम पहला प्रेजेंटेशन एक बनाते हैं तो ये जब बच्चों को हम देंगे तो उनका एक्सपीरियंस सुधारने के लिए भी होता है। तो AI इज़ नाउ द वे ऑफ लाइफ एंड वी शुड एक्सेप्ट इट एज द वे ऑफ लाइफ। एंड मैं तो बोलता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे ये होगा वो होगा, अरे ऐसे तो हमारा लाइफ और ईजी हो गया, सभी प्रोफेशनल्स का लाइफ ईजी हो गया, इनका लाइफ ईजी हो गया, इनका लाइफ ईजी हो गया। तो आवर R&D टीम इज़ वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद AI। हाँ, सभी ब्रांचेस में 4 अप्रैल से हेड ऑफिस में शुरू होगा, सभी ब्रांचेस में 1-2 महीने में सभी ब्रांचेस में सभी तरफ शुरू हो जाएगा। विषय वस्तु विशेषज्ञों, एनिमेटर, AI विशेषज्ञों और अन्य सहित 25 व्यक्तियों की एक समर्पित टीम के साथ आईकैड ने इस परियोजना को कड़ी समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। परिणाम एक अत्याधुनिक मंच है जो डिजिटल टूल द्वारा सक्षम पहुंच और समझने में आसानी के साथ हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के डोमेन ज्ञान और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को सहजता से एकीकृत करता है। इस अभिनव परियोजना के लाभ कई गुना है। जटिल कॉन्सेप्ट को सरल बनाकर और सीखने को अधिक आकर्षक बनाकर डिजिटलाइज्ड कक्षाएं छात्रों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए तैयार है। यह पहल JEE और NEET जैसी परीक्षाओं की कठिन सामग्री को सरल बनाने के लिए आईकैड चला रहे मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो हमारे पहले लॉन्च कमांड कैप्सूल JEE, NET, JEE और फाउंडेशन के लिए सरली नोट्स की सफलता पर आधारित है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।